प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाम को सलाम। तो कैसे हैं क्लास 12th आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, और जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी चल रही है आप लोगों की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। लगे रहना है बस आप लोगों को, ओके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 जो पोएट्री में हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम चल रही है उसके पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। एक स्टैंजा रह गया था इसका और सेंट्रल आइडिया भी रह गया था, उसकी शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, डोंट फॉरगेट, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आप लोगों को पता ही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, जॉन मिल्टन ने लिखा है इसको। आखिरी का स्टैंजा जल्दी से आ जाता है, क्या लिखा है देख लीजिए ध्यान से। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर, ये देखो जो लिखा है POSTOER, इसको पोस्ट ओवर पढ़ते हैं, लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखो पहले मैं आप लोगों को इन चारों लाइनों का अर्थ बता देता हूँ कि इस इन चारों लाइनों में कवि आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए जॉन मिल्टन जी बोलते हैं, इन आखिरी वाली पंक्तियों में कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो एक राजा की तरह है। ईश्वर जो है वो एक राजा की तरह है, हजारों देवदूत हजारों नौकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं, जमीन से लेकर सागर तक उसकी सेवा करते रहते हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि वो लोग भी उनकी सेवा करना चाहते हैं और खड़े हुए हैं जो जिनके जो अपनी प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी सक्षम नहीं है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, वो लोग भी अपनी प्रतीक्षा में खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं कि कब हम भगवान के लिए कुछ करें, भगवान की सेवा करें, ओके। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ईश्वर बहुत सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, वो तो राजा है, लाखों लोग हजारों देवदूत उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं उनकी सेवा करते रहते हैं, धरती से लेकर महासागर तक, आप ये बोल सकते हो कि आकाश से लेकर पाताल तक उसकी सेवा में बिना थके लगे रहते हैं, और वो लोग भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो वो भी इस प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं, ओके। अब देखो फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश पर आ जाते हैं। हिज स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब स्थिति, हिज स्टेट यहाँ पर भगवान के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी स्थिति इस किंगली एक राजा की तरह है, थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड, यहाँ पर बिडिंग का मतलब होता है आदेश पर, किसी के ऑर्डर पर, थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड, उसके आदेश पर जो हजारों उसके नौकर होंगे देवदूत होंगे, यानी कि भगवान के नौकर कह सकते हो आप, कि हजारों लोग हजारों नौकर उसके आदेश पर स्पीड बहुत तेजी से, एंड पोस्ट ओवर लैंड, लैंड जमीन को बोलते हैं, एंड ओशन सागर को बोलते हैं, विदाउट रेस्ट, कहने का मतलब यह है कि भगवान की स्थिति एक राजा की तरह है, उसकी उसके एक आदेश पर क्या होता है जो उसके नौकर है उसके देवदूत है तो आकाश से लेकर पाताल तक बिना थके उसकी सेवा करते रहते हैं, उसके एक इशारे पर यानी कि बिना थके काम करते रहते हैं, राइट। ये इन तीनों लाइनों का अर्थ है। आगे देख लीजिए आखिरी की लाइन है, दे ऑल्सो सर्व, दे मीन्स वे ऑल्सो भी सर्व सेवा करना चाहते हैं, हु जो ओनली स्टैंड केवल खड़े हुए एंड वेट और प्रतीक्षा में, यानी कि वो लोग भी उनकी सेवा करना चाहते हैं जो अपनी प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं आपको इस आखिरी की लाइन का एक्सप्लेनेशन बताना चाहूं तो ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि आपको पता है जॉन मिल्टन जो थे वो आई साइड नहीं थी उनकी, आंखों की रोशनी नहीं थी, तो ये लाइन उन्हीं के लिए है कि वो लोग भी, वो बताते हैं कि वो लोग भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो सक्षम नहीं है वो भी कहीं ना कहीं भगवान की सेवा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी, आप कुछ चीजों को पकड़िए, लाइनों का समझ में आ जाएगा। हिज स्टेट किंगली, इज किंगली उसकी स्थिति राजा की तरह है, थाउजेंड लाख हजारों नौकर कह सकते हो, बिडिंग स्पीड यानी कि बिन उसके आदेश पर तेजी से, ओस और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, धरती से लेकर सागर तक उसकी सेवा करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी सेवा करना चाहते हैं वो भी अपनी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, ओके। चलिए जल्दी से इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। देखिए इसका जो रेफरेंस है आप लोगों को याद आ ही गया होगा, रेफरेंस हम कैसे लिखते हैं, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, कंपोज्ड बाय
जॉन मिल्टन। इसका अर्थ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग भली भांति समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू टेल अस, हमें बताना चाहते हैं इस स्टैंजा में कवि अबाउट गॉड्स स्टेट। देखो वहीं से उठाकर लिख दिया, आपको पता है लिखने का हमारा तरीका, कॉन्टेक्स्ट लिखने का, इस लाइन को हमने लिख दिया हिज स्टेट, अपनी स्थिति के बारे में बता रहे गॉड, राइट। अब देखिए एक्सप्लेनेशन को, इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं दैट गॉड इज किंग। अब देखो हमने कैसे इनको बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, गॉड इज किंग ऑफ द वर्ल्ड, ईश्वर जो है पूरी दुनिया का राजा है। ही इज वेरी पावरफुल, ये अपनी तरफ से ऐड कर दिया, वह बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैनी ऑफ सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर आर वर्किंग, काम कर रहे हैं फॉर हिम, उसके लिए। दे वर्क फ्रॉम, यहाँ पे फॉर्म आप इसको फ्रॉम कर लीजिएगा, यहाँ पर ये एफ आर ओ एम है, प्लीज इसको आप ठीक कर लीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, लिखने में थोड़ी गलती हो गई होगी। दे वर्क फ्रॉम, वे काम करते हैं लैंड टू ओशन विदाउट टेकिंग रेस्ट, यानी कि वे आकाश से, वही लाइन लिख दी हमने कि भूमि से लेकर सागर तक काम करते रहते हैं बिना थके, विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना आराम किए। दे वर्क कॉन्टिन्यूली, कॉन्टिन्यूली का मतलब क्या होता है, नियत रूप से, नित्य प्रति, यानी कि लगातार। दे वर्क कॉन्टिन्यूली, जो लगातार काम करते हैं। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट, और दे ऑल्सो वॉन्ट, वो भी चाहते हैं टू सर्व, सेवा करना, हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर दियर चांस, जो अपने लिए प्रतीक्षा में खड़े हुए। देखो लास्ट वाली लाइन से हमने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, दोस पीपल, वो लोग ऑल्सो कैन टू सर्व गॉड, कैन बी, कैन टू सर्व गॉड, यहाँ पर टू नहीं आएगा, दोस पीपल ऑल्सो कैन सर्व गॉड, वो लोग भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, हु इज नॉट फिजिकली कैपेबल, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। Thus the poet says that, इस प्रकार कवि कहते हैं that कि everyone can serve God, कि हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, in this stanza the poet says that, इस stanza में कवि कहते हैं कि God is, that God is king of the world, भगवान दुनिया का राजा है। He is very powerful, वह बहुत शक्तिशाली है। Many of servants are working for him, बहुत सारे नौकर उसके लिए काम कर रहे हैं। They work from land to ocean without taking rest, they work From land to ocean without taking rest, इसको हम करी देते ठीक। वो लोग धरती से लेकर सागर तक बिना थके उनकी सेवा करते रहते हैं, उनके लिए काम करते रहते हैं। They work continually, वो लगातार काम करते रहते हैं। And they also want to serve God, serve who only stand and wait for their chance, और वो लोग भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, करना चाहते हैं जो प्रतीक्षा में खड़े हुए अपनी बारी की, अपनी जब उनका नंबर आएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, दोस पीपल ऑल्सो कैन सर्व गॉड, वो लोग भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। हु इज नॉट फिजिकली कैपेबल, जो सक्षम नहीं है, कैपेबल का मतलब सक्षम नहीं है फिजिकली, शारीरिक रूप से। Thus the poet says that everyone can serve God, इस प्रकार कवि कहते हैं कि हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। ओके गाइज, चलिए अब इसके सेंट्रल आइडिया पर आ जाते हैं। देखिए, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस, इस पोएम में कवि बताते हैं हमें अबाउट हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख, अपने दुख के बारे में। बिकॉज ऑफ लॉस हिज आईसाइट, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, लॉस खो जाने, हिज आईसाइट अपनी रोशनी, आंखों की रोशनी खो जाने के कारण अपने दुख के बारे में हमें बताना चाहते हैं। कौन बताना चाहते हैं, जॉन मिल्टन। ओके देखिए आगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट, इस कहानी का भावार्थ, इस पोएम का भावार्थ यह है कि इज दैट कि द पोएट इज अ वेरी गुड पोएट, देखो कवि बहुत अच्छा कवि है, ऐसे लिख दिया हमने। ही वॉन्ट्स टू शो हिज टैलेंट, वह अपना टैलेंट, अपनी योग्यता दिखाना चाहता है टू द वर्ल्ड, दुनिया को, थ्रू हिज पोएम्स, अपनी कविताओं के माध्यम से। बट लेकिन ही वो सैड, वह दुखी है, क्यों दुखी है, बिकॉज ही हैज नो आईसेट, क्योंकि उसके पास आंखों की रोशनी नहीं है। ही हैड लॉस्ट हिज आईसेट, उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, इन हाफ डेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के आधे दिनों में, यानी आधी उम्र कह सकते हो आप। ही ब्लेम्स गॉड, वह भगवान को आरोपित करता है, भगवान पर दोष लगाता है। बट ही नोज वेरी वेल, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानता है दैट कि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, हर जगह उपस्थित होना, भगवान हर जगह उपस्थित है, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट। देखो एक का मतलब सर्वशक्तिमान, एक का मतलब सर्वशक्तिशाली, और एक का मतलब आप ओमनीपोटेंट का मतलब होगा, तो ओमनी जो ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान। एक बार फिर से बता देता हूं, ओमनीप्रेजेंट, देखो ओमनीप्रेजेंट होता है
प्रेजेंट उपस्थित को बोलते हैं, यानी कि सर्वव्यापी हर जगह उपस्थित होने वाला। ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, जिसको हर चीज का ज्ञान हो। एंड ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान, जिसको जिसके पास बहुत सारी पावर हो। तो यहाँ पर गॉड के लिए बोला गया है गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट, कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी होता है, सर्वज्ञानी होता है और सर्वशक्तिमान होता है। राइट, ही डज नॉट नीड आइदर आइदर मैन्स वर्क और हिज गिफ्ट्स, ना तो उसको किसी इंसान के काम की और इसके उपहार की कोई जरूरत नहीं होती। राइट, आइदर मैन्स वर्क और हिज गिफ्ट्स, या तो इंसान के काम की और उसके उपहार की भगवान को कोई जरूरत नहीं होती। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स, उसके पास हजारों नौकर हैं। दे वर्क फॉर हिम विदाउट टेकिंग रेस्ट, उसके लिए काम करते हैं बिना थके। द मैन हु बियर दिस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ, देखो यहाँ पर वर्ड है मिसफॉर्च्यून्स, और मिसफॉर्च्यून्स का मतलब होता है आप विपत्ति को कह सकते हो, दुख को बोलते हैं, कष्टों को बोल सकते हो, दुर्भाग्य को भी कह सकते हैं। द मैन, जो लोग सहन करते हैं विपत्ति को ऑफ लाइफ, जीवन की, चीयरफुली, बड़ी खुशी से। चीयरफुली का मतलब बड़ी खुशी है। दे आर ट्रू वर्शिपर्स, वर्शिपर्स का मतलब है पुजारी, वे सच्चे पुजारी होते हैं ऑफ गॉड, भगवान के। यानी कि लाइन कार्ड क्या बनता है, द मैन हु बियर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ चीयरफुली, जो लोग भगवान की द्वारा दी गई विपत्ति को बड़ी खुशी से भी सहन करते हैं, दे आर ट्रू वर्शिपर्स ऑफ गॉड, वो भगवान के सच्चे पुजारी होते हैं। एट लास्ट, अंत में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है दैट द मैन स्टैंड एंड वेट फॉर हिज ब्लेसिंग। एट द लास्ट द पोएट सेज दैट, अंत में कवि कहता है दैट द मैन, व्यक्ति स्टैंड एंड वेट फॉर हिज ब्लेसिंग, यानी कि जो व्यक्ति खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते थे फॉर हिज ब्लेसिंग। देखो यहाँ पर एच हमने बड़ा बनाया, एच हिज यहाँ पर गॉड के लिए कहा गया, ब्लेसिंग दुआए आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद के लिए खड़े रहते हैं। दे कैन ऑल्सो सर्व गॉड बेस्ट, वे भी भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। ये लाइन ये सेंट्रल आइडिया की आपकी स्टैंजे की लास्ट लाइन जो भी पढ़ाई है वहां से हमने उठाकर लिखी है, वहां से थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है कि एट लास्ट द पोएट सेज दैट, अंत में कवि कहते हैं द मैन स्टैंड एंड वेट फॉर हिज ब्लेसिंग, जो लोग खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवान की सेवा हम कब करेंगे, दे कैन ऑल्सो सर्व गॉड बेस्ट, वे भी भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा, एक दो बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और प्लीज इसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा, तो आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।